नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। लोकतंत्र का महापर्व आज चल रहा है। राजस्थान के 13 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत आज जगह जगह मतदान हो रहे हैं। तो राजस्थान के दक्षिण में बसे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर आज त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल रहा है, जिसके बीच में यहाँ पर कुछ महिला हैं जो मतदान करने जा रही है। 21 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा शहर के कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप मतदान करने जाओ तो लोकतंत्र का उत्सव जो है महापर्व बनाओ और नाच गान करते हुए गाजे बाजे के साथ मतदान करने जाना। उसी थीम पर यहाँ पर बागीपुरा विधानसभा मुख्यालय पर कुछ महिला हैं जो ढोल गाजे बाजे के साथ मतदान करने के लिए निकले हुए हैं। हम उनसे मुखातिब होते हैं कि आज का दिन किस तरह से वो मना रहे हैं। जी आप बताएं, आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप मतदान करने जा रहे हैं, क्या मान रहे हैं? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और मोदी जी ने कहा था इसलिए हम ढोल बाजे के साथ जा रहे हैं मतदान करने के लिए। अब मतों की इतना मतलब उत्साह का माहौल लग रहा है आज का दिन आपके लिए। किस तरह से आप मतदान कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी बार वोट किस करवट बैठेगा, क्या माहौल है? आप बताएं क्या लग रहा है आपकी बार, माहौल क्या है? मोदी जी आएंगे। जो अभी माहौल लग रहा है उससे तो यही लग रहा है कि हमारे देश में जिस प्रकार से राम राज्य आया है तो उसी राम राज्य को भविष्य में भी स्थापित करने के लिए हमारे सनातन संस्कृति की जीत हो। और हमारे मोदी जी जब 21 तारीख को बांसवाड़ा आए थे और उन्होंने माताओं और बहनों से ये आह्वान किया था कि सभी गाजे बाजे के साथ और गीत गाते हुए निकले, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के इस छोटे से आग्रह को हम कैसे नहीं मानते। और हम सब, हमारी महिला मंडल ने ये निश्चय किया कि हम गाजे बाजे के साथ निकलेंगे और हमारे सनातन की जीत करेंगे। बिल्कुल, मतलब आपने आस्थान दिए मोदी जी ने, कहा था पूरा कर रहे हैं और राष्ट्र हित के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे और एक महीने से हम इसी के लिए लगे हुए हैं। एक महीने से आप तैयारी कर रहे हैं? हमने बागीदोरा खंड के प्रत्येक गांव को प्रत्येक महिला से हमने संपर्क किया है और राष्ट्र हित में मतदान करना यही आह्वान किया और आज भी हम सुबह 8 बजे से निकले हुए। राष्ट्र हित में मतदान की आहुति की बात कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हम आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य वो उज्जवल हो, यही चाहते हैं। यही चाहते हैं। आज का दिन आपके लिए कितना उत्साहपूर्वक और गौरवमयी रहेगा, क्या रहेगा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं? जैसे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम सबके साथ हैं, सबके साथ है। आप बताएं कैसा लग रहा है आज का दिन आपके लिए, कितना उत्साहपूर्वक है? आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है और सब हम महिलाएं कोई भी धर्म की और कोई भी जाति की सब एकजुट कर जुट होकर निकली हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि किसी उम्र की किसी भी पड़ाव में, चाहे अपने हाथ में लकड़ी आ जाए या कुछ भी हो जाए, वोट तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, वो देना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अपनी आस पड़ोस, अपनी देराणी जेठाणी और किसी भी कास्ट के सबको लेकर वोट देने के लिए आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। काका काकी, देरानी देरानी सबको, आपका मतलब आज एक विवाद जैसा माहौल आप लोगों ने बनाया। आज हम और मोदी जी ने कहा था कि कोई भी गीत गाते हुए तो हम गीत गाते हुए आए। ताज़ा तस्वीरें राजस्थान के दक्षिण में बसे बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा मुख्यालय की है,
जहां पर मोदी जी ने जो नारा दिया था उसी के तहत आज महिलाओं में एक विवाह पूर्वक यहाँ उत्साह की तरह दिखाई दे रहा है और गाजे बाजे के साथ मतदान करने के लिए निकले हैं। और यहाँ पर राम आएंगे तो मेरे भाग खुल जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए लोग जा रहे हैं। बहुत उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन के साथ राजस्थान के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा।